पहले जे छे आज से 40 बरस 50 बरस 60 बरस 70 बरस पहले हमर दादा रे बोले रहथिन कि शादी होय रे बच्चे आ तखनी लड़का लड़की के बायो डाटा ने मांगल जा रहे लड़का के लड़की के लाठी से नापल जा रहे लड़का लड़की की जब शादी हो जा रहा है तो लड़की की बिदागरी दुरागमन हो रहे 10 साल में जा जाए 10 साल में लड़की की बिदागरी हो रहे तब वो लड़की ससुराल बसे रहे। आज कल अगर 5 घंटा फोन नहीं करते पति तो एने से पत्नी फोन लगे लग तुम कहां बात कर रहा था तुमको मारते मारते गर्दा छोड़ा। ये 10 साल दुरागमन के बात पे छोड़ दियो। आज कल पति पत्नी में भर दिन में 3 बेर बात नहीं होते तो मुक्का मुक्की शुरू। और देखिए बाबू जी श्रवण कुमार की शादी कर दी गई। बचपन अवस्था में हिमाचल प्रदेश के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम विद्या था, विद्या के साथ श्रवण कुमार की शादी हो गई। दोनों पति पत्नी समय बिताने लगे और श्रवण कुमार की माँ और पिताजी दोनों गुरुजी के आश्रम में श्रवण को नामांकन करवा दिया। रोज दिन का काम है उनका वहां जाकर विद्या ग्रहण करना। बच्चा जब लायक हो गया एकाएक अपने गुरुजी से श्रवण कहा कि गुरु महाराज मेरी माँ और मेरे पिताजी जन्म से अंधा है कि जन्म के बाद जरा बताइए। गुरु महाराज बोले सच्चाई अगर बताएंगे तो ये बच्चा पागल हो जाएगा क्योंकि ये बच्चा माँ बाप का भक्त है। माँ बाप के नाम पर ये अपना जीवन कुर्बान कर देगा। गुरु महाराज बोले बेटा अगर इस बात की जानकारी लेना है तो तुम अपने माँ से पिताजी से पूछ लो। श्रवण कुमार विद्यालय से आ गया और माँ से कहा माँ मैया बेचारी बोली कि नहीं समय से पहले आ गया आज तुझे सही सही बताना होगा तुम दोनों प्राणी जन्म से अंधा हो कि जन्म के बाद बता मैया। मैया बेचारी बच्चे को हाथ पकड़ करके बोली के बेटा इस बात को मत जानू बेटे इस निर्दय जवान अन्यत्रहीन हो गई हूं बेटे तुम जैसे पुत्र संतान को पाने में मैं अपने नेत्र के रोशनी को गवा दिया। श्रवण कुमार उसी समय अपने गुरुजी के आश्रम में जाकर कहा कि गुरु महाराज मेरी माँ और मेरे पिताजी हम जैसे पापी अधर्मी को प्राप्त करने में आंख के रोशनी को गवा दिया। आप एक काम कीजिए मेरी माँ और मेरे पिताजी नेत्रदार कैसे होंगे जरा बताइए। तो गुरु महाराज बोले जब इसकी माँ सब कुछ बता दिया तो अब हमको आगे की रास्ता बताने में कोई दोष नहीं है। कहा बेटा एक कांच बांस काट लो कामर बना लो और कामर बना करके एक बगल माँ को एक बगल पिताजी को बैठा करके पूरे भारत में जितने तीर्थ यात्रा है तीर्थ धाम है सभी धाम घुमाते जाओ पिताजी को दर्शन कराते जाओ आंख में गंगा जल लगाते जाओ लौट करके जब अयोध्या आओगे तो तुम तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी के आंख में रोशनी हो जाएगी। प्रेम से बोलिए बजरंग रंगवली की जय।
श्रवण कुमार वहां से चल दिया, गा रहा है माटी के तन पर करन गुमान, ये मिट्टी का शरीर है इस पर गुमान नहीं कीजिए, गुमान कीजिएगा तो ये मिट्टी का शरीर नाशमान ये मिट्टी में मिल जाएगी। माटी के तन पर करन गुमान, एक पुरस्कार आया है, यह है निशा कुमारी बबुहारा, इनके ओर से दादाजी के आत्मा के शांति सदगति के लिए 21 रुपया का दान आया है। और यह दिलीप यादव बबुहारा, बड़े पापा के आत्मा के शांति सदगति के लिए इनके ओर से भी 30 रुपया का दान आया है इस भजन पर। माटी के तन पर करन गुमान, जकरा बने लिखिन हो भगवान, माटी के तन पे करन गुमान, जकरा बने लिखिन हो भगवान, माटी के तन पे करन गुमान, जकरा बने लिखिन हो भगवान, माटी के तन पे करन गुमान, जकरा बने लिखिन हो भगवान, माटी के तन पे करन गुमान, जकरा बने लिखिन हो संकट में फंस गेल परा, माटी के तन पे करन गुमान, जकरा बने लखिन हो भगवान, माटी के तन पे करन गुमान, जकरा बने लखिन हो एक बच्ची के ओर से 11 रुपया का दान आया है। वो दोनों प्राणी अंधी माँ और अंधे पिताजी बैठ करके भगवान का भक्ति कर रही हैं। श्रवण आया, एक बांस काट करके लाया, सुंदर कामर बना रहा है। खटखट की आवाज जब माँ सुनी तो माँ बोली, बेटा क्या कर रहे हो? कहा, माँ मैं एक कामर बना रहा हूँ। कहा, नहीं बेटा कामर यात्रा जाओगे? कहा, जी। कहा, कामर यात्रा तो लोग सावन के महीने जाते हैं, तुम अभी चल दिया। कहा, कामर के एक बगल तुम बैठ जाएगी, एक बगल पिताजी, और तुम दोनों प्राणी को पूरे विश्व में घुमाऊंगा, सभी जगह आंख में गंगा जल लगाऊंगा, सभी देवता से दर्शन कराऊंगा, लौट करके जब हम सब प्राणी अयोध्या आएंगे तो तुम दोनों प्राणी के आंख में रोशनी हो जाएगी। मैया बेचारी बोली, बेटा मेरे आंख में रोशनी नहीं हो,
या हो, इससे तुमको क्या लेना देना है। मैं अंधी रहूंगी मंजूर है, लेकिन मेरे सामने तुम रहो। अगर मेरे सामने तुम सुरक्षित रहेगा तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे आंख में रोशनी है। एक सवार मैया समझाई, लेकिन माँ के बात को वो नहीं माना। सुंदर एक कामर बना लिया, एक बगल माँ को बैठाया, एक बगल पिताजी को। जो ही कामर यात्रा चला, श्रवण कुमार की पत्नी दौड़ गई पतिदेव। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? श्रवण कुमार की पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हैं? श्रवण कुमार कहे कि मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ, मैं अपने माँ और पिताजी को आंख में रोशनी देने के लिए। तो विद्या बोली कि मैं भी जाऊंगी। श्रवण कहा कि मेरे साथ जाकर के क्या बोलेगी? कहीं रास्ते में बाघ मिलेगा, सिंह मिलेगा, सियार मिलेगा, कहीं तुमको कुछ हो गया तो मेरे जीवन में दोष लग जाएगा। विद्या बोली, पतिदेव मैं पहले मर जाऊंगी, इसके लिए आपको चिंता है, कहीं आपको कुछ हो गया तो। श्रवण कुमार की पत्नी बोली कि तुमसे पहले मैं चलूं मसी, तो पति बरता कहलाऊंगी। बारे भारत देश की नारी विद्या बोल रही है, पतिदेव कहीं आपसे पहले मैं मर गई तो पतिवर्ता कहलाऊंगी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पहले आप मुझे मरने दीजिए, कहीं हमसे पहले आप मर गए तो लोग मुझे विधवा कहेंगे, इसीलिए हे पतिदेव पहले मैं मरूंगी, आप जरा विचार कीजिए। श्रवण कुमार कहते हैं, विद्या तुम तो हर वक्त कानून से पाबंद करके मेरे दिल को तुम जीत लेती हो।